the film is super flop. क्या सिद्धार्थ आनंद जी क्या बना रहे हो? बस इतना पैसा खर्चा किया है, खाली लोकेशन पे पैसा खर्चा किया है और गैजेट पे पैसा खर्चा किया है. वेर इज द ब्लडी स्क्रिप्ट? शाहरुख खान इज मेकिंग अ कमबैक आफ्टर 5 years. इतना सॉलिड कमबैक होना चाहिए. व्हाट कमबैक यू आर गिविंग हिम? अरे फर्स्ट हाफ में जॉन अब्राहम शाहरुख खान में भारी पड़ गया है. यू सी द फर्स्ट एंटर इंटरवल तक देखो आप, जॉन अब्राहम का रोल पावरफुल लग रहा है शाहरुख खान से. व्हाट कमबैक सिद्धार्थ आनंद इज गिविंग टू शाहरुख खान? सेम ब्लडी होल स्टोरी. और जो एक्शन सीन बताए शाहरुख खान की एंट्री भी उतना पावरफुल नहीं बताया, जो होना चाहिए वो पावरफुल नहीं बताया उतना. ब्लडी से मेकिंग कमबैक मैन, सच अ बिग हीरो, सॉलिड कमबैक होना चाहिए. लेकिन फेल दिस टाइम सिद्धार्थ आनंद अगेन. एक्चुअली फेलियर ओनली सिद्धार्थ आनंद. वॉर तो ऋतिक और टाइगर पे ही चली थी, तो ये फिल्म जो बनाई है पठान, तो पूरा घान कर दिया सिद्धार्थ आनंद ने. पठान को घानी कर दिया. लोग समझते हैं पठान बॉलीवुड की शान होगी, वाईआरएफ की शान होगी, लेकिन पठान बिकेम अ घान. अरे मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया. एक शाहरुख खान, वन थिंग इज दैट शुरू के 15 मिनट में शाहरुख खान इज लुकिंग डैशिंग, जबरदस्त लग रहे हैं. बाद में कुछ सीन में थोड़ा ओल्ड लग रहे हैं, लेकिन चलो नो प्रॉब्लम, वो अच्छे लग अच्छे रहे. लेकिन स्क्रिप्ट इज वेरी पुअर गाइस, वेरी पुअर. ये सब आप कुछ 1000 बार देख चुके हो. देख लो इंटरनल बात क्या होता है. टिल देन की पॉचिमा चैन पॉवर विद मैट नियरल और से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल.